हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एसक्यूएल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो एसक्यूएल की है। एसक्यूएल में क्या सीखने वाले हैं, क्या नया है, यहां पर देख सकते हैं। ये कोड लिखने से अगर इसको रन करवाते हैं तो ये ऑलरेडी टेबल बना हुआ है। रन करवाने से ये देख सकते हैं, ये टेबल बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर टेबल इस तरीके से बनी हुई है, जबकि हमने कोड क्या लिखा है, वो कोड जो है ये है। यहाँ पर देखिए क्रिएट टेबल स्टूडेंट इस तरह से करके मैंने दिया हुआ है, बाकी आगे डेटा टाइप मेंशन है। यहाँ पर हमने प्राइमरी की दिया हुआ है। अब इसका मतलब ये है कि इसमें आप डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। जैसे कि रोल नंबर को हमने बनाया है प्राइमरी की, देख सकते हैं आप। यहाँ पर कोड में एक बार फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया और उसे इंटीजर डेटा टाइप रखा है। इंटीजर को पूरा नहीं लिखते, इंट ही लिखते हैं, ये तो आपको पता ही है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कुछ एंटर करने की कोशिश करते हैं, लाइक मान लीजिए कि एक स्टूडेंट का नाम है राम, ठीक है, और रोल नंबर है 1, ओके, और यहाँ पे क्लास है 12, तो ये 12 हमने लिख दिया। और फिर सिटी है देवरिया, ठीक है, ये सिटी हमने क्या कर दिया, देवरिया कर दिया है। और यहाँ पर आएंगे नीचे, अब फिर दूसरे स्टूडेंट का भी नाम राम है। अब कोई जरूरी थोड़े ना है कि एक क्लास में एक नाम से दो स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रोल नंबर आप सेम नहीं दे सकते क्योंकि रोल नंबर को हमने बना दिया प्राइमरी की, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास 12 करते हैं और यहाँ पे करते हैं देवरिया, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही हम नीचे आएंगे तो ये एरर देगा, ये बताएगा कि डुप्लीकेट डेटा आपने एंटर किया है, कहां पे, यहां पे। तो इस डुप्लीकेट डेटा को आपको हटाना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो जैसे ही दो कर देंगे तो फिर आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। लेकिन अगर इसमें कुछ और भी ऐड कराना है, लाइक कंट्री ऐड करानी है, तो कंट्री कैसे ऐड कराएंगे, कंट्री ऐड कराने का या कोई भी डेटा ऐड कराने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप चले जाइए सीधा कहां, क्रिएट पर, और यहां से एक नई क्वेरी बना लीजिए क्वेरी डिजाइन पर जाकर के। तो ये क्वेरी पे गए और इसको क्लोज कर दीजिए, बाकी आपको यहां एसक्यूएल दिखाई पड़ेगा। करना क्या है यहां पर, वो बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले तो इसको हटा देता हूं, ये सेलेक्ट आया हुआ है, इसको हटा देता हूं मैं यहां से, ठीक है, ये मैंने हटा दिया। अब हमें करना क्या है, यहां पर कुछ कोड लिखना है, और वो कोड क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर हम अल्टर करेंगे, तो ये लिखा मैंने अल्टर, और टेबल को अल्टर करेंगे। कौन से टेबल को अल्टर करेंगे, स्टूडेंट टी जो टेबल है उसी को हम करेंगे अल्टर। तो यहां लिखा मैंने स्टूडेंट टी, ठीक है, तो ये स्टूडेंट टी कर दिया हमने, एंटर कर दीजिए, या आप कंटिन्यू में वहां भी टाइप कर सकते हैं। यहां पर हम ऐड करवाना चाहते हैं, तो ये लिख दिया मैंने ऐड, और किसको ऐड करवाना चाहते हैं, कॉलम को ऐड करवाना चाहते हैं, तो ये लिख दिया मैंने कॉलम। कौन सा कॉलम ऐड करवाएंगे, नाम क्या है कॉलम का, कॉलम हमने बताया था आपको कंट्री, तो यहां पर लिखेंगे हम कंट्री, सिंपली लिख देंगे कंट्री, COUNTRY, तो ये लिख दिया हमने कंट्री, ओके। और कंट्री लिखने के बाद यहां पर डेटा टाइप आप टेक्स्ट दे सकते हैं, आप वर्कर भी दे सकते हैं, टेक्स्ट भी दे सकते हैं, तो यहां मैं टेक्स्ट डेटा टाइप दे दे रहा हूं, काम हो गया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वाले टेबल को, जो कि पुरानी टेबल है, पुराने टेबल में देखिए ये सब है, नेम ऑफ स्टूडेंट है, रोल नंबर है, क्लास है, सिटी है, कंट्री नहीं है, तो अब इसको पहले क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब ये पुरानी वाली क्वेरी है, इसको भी सेव करके क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरी वाली क्वेरी खुली हुई है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऐड कॉलम दिया हुआ है मैंने, और कंट्री नाम से कॉलम ऐड करवाया हुआ है, और इसका डेटा टाइप क्या रखा है, टेक्स्ट, और कहां पर ऐड करवा रहे हैं, स्टूडेंट टी नाम के टेबल में ऐड करवा रहे हैं, ठीक है। अब यहां से क्या करता हूं मैं, क्वेरी डिजाइन पे जाकर रन पे क्लिक कर देता हूं, काम हो गया है आपका। अब इसको दोबारा से ओपन कीजिए, आप देख पाएंगे कि यहां पर आपको कंट्री नाम की एक और फील्ड मिलेगी। ये बहुत ही आसान है, इजीली आप कर सकते हैं। तो यहां पे हम डाल देते हैं अपनी कंट्री का नाम, ठीक है, इंडिया डाल दिया हमने, बाकी ये भी इंडिया के हैं, ठीक है। तो अभी अभी हमारे एक स्टूडेंट आए हुए थे, सही धनवर नाम है इनका, काफी समय से इनको मैं पढ़ा रहा हूँ, बीसीए करते हैं, तो ये मैं डाल देता हूँ इनका नाम, और यहाँ पे रोल नंबर 3 कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ बीसीए, ओके, इस बार लास्ट ईयर है इनका, तो ये हो गया। और यहाँ पे देवरिया कर दिया मैंने, और यहाँ पर कंट्री इंडिया कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा एक कॉलम जो है ऐड करने का क्या वे हो सकता है, क्या कोड लिखेंगे तो ये एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो जाएगा एसक्यूएल में, ये मैंने आपको आज बताया। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।